Hello students, myself Mansi Arora, assistant professor from ST College of Commerce. अभी हम अपनी next जो topic आया है अभी वो है isoquant production function का ही जो इससे next जो हमारा topic है वो है isoquant. isoquant product मतलब equal quantity product. पहले heading start करते हैं. इसको हम प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं. इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं. ठीक है, अब मेनली अगर हम इसके मीनिंग की बात करेंगे तो आइसो का क्या मतलब होता है? इक्वल. क्वेंट का मतलब होता है क्वांटिटी, मीन्स इक्वल क्वांटिटी कर्व. इक्वल क्वांटिटी कर्व का आप मतलब पूछेंगे तो ये शो करता है, इट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं टू इनपुट्स के, दो इनपुट्स वही लेबर कैपिटल के, कितने पॉसिबल हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं कि वो फिजिकली कैपेबल हो प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल. एक लेवल जो प्रोडक्शन ऑफ लेवल, मतलब हमारे अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसी कॉम्बिनेशन के अंदर हम उसमें कम ज़्यादा करते रहें कि हमारे लेबर्स को हम ज़्यादा कर रहे हैं, कैपिटल कम करते चले जाएं, उन दो यूनिट्स के अंदर हम कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं कि हमें जो है पूरा प्रोड्यूसर को एक ऑप्टिमम पॉइंट मिल जाए. वो इसके थ्रू एक ऑप्टिमम पॉइंट को सर्च करता है प्रोड्यूसर. देखिए, जैसे कि एक फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी फर्म है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना. हर प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे और मिनिमम कॉस्ट पे. तो इसका मतलब मेनली इसमें क्या एक जो चीज़ है आइसोक्वेंट के अंदर, क्या चीज़ को सर्च किया जाता है कि मैक्सिमम आउटपुट इन अ गिवन कॉस्ट. जितनी हमारी कॉस्टिंग आ रही है, मैक्सिमम आउटपुट इन अ गिवन कॉस्ट, जितनी हमारी कॉस्ट आ रही है उस पर हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर सकें, एंड मिनिमम कॉस्ट इन गिवन आउटपुट. ये दो कंडीशंस हैं जिसमें हम, जिसके लिए प्रोड्यूसर एक ऑप्टिमम पॉइंट को सर्च करता है इन कॉम्बिनेशंस के अंदर. ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट इन अ गिवन कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट इन अ गिवन आउटपुट. ये दो जो कंडीशंस हैं इसकी वजह से हमारा जो ये है आइसोक्वेंट कर्व, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. अब इसका अगर हम मीनिंग लिखेंगे, अगर हम मीनिंग देखेंगे, इट शोज all possible combinations of two inputs physically capable of producing a given level आउटपुट, गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट्स का जो फिजिकली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब हमने किसी भी तरह से, हमारा यहाँ लेबर है, यहाँ पे हमारा कैपिटल है, तो हम कैसे, हमारा कौन सा हमारा कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं. यहाँ पे हम अगर कैपिटल को कम करे जा रहे हैं, यहाँ पे लेबर को हम बढ़ाए जा रहे हैं, तो कौन सा एक आउटपुट हम, ऐसा एक कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सकता है मिनिमम कॉस्ट के साथ. ये हमें असिस्ट करता है, फर्म्स को असिस्ट करता है इन मेकिंग एडजस्टमेंट्स. कैसे फर्म्स एडजस्टमेंट करती हैं अपने जो इनपुट है उसको चेंज कर, मैक्सिमाइज करने का, कि आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सके, इनपुट्स को कैसे वो किस ऑर्डर में लगाए, किस ऑर्डर में लगा के मैक्सिमम कर सके अपने आउटपुट को, और दस उसका प्रॉफिट जो है वो रेज होता है इस चीज़ से. तो सिंपल हमने इसका जो मीनिंग था, इसके लिए अब हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट्स those combinations which will allow the equal
क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी. टेबल से हम समझेंगे इसको कि कैसा कॉम्बिनेशन होता है. इसमें हम बनाएंगे कैपिटल लेबर कॉम्बिनेशन एंड आउटपुट, जो उसका प्रोडक्शन होगा, जो उनका कॉम्बिनेशन बनेगा प्लस उसका जो प्रोडक्शन होगा. अब हम कॉम्बिनेशंस लेते हैं, लाइक यहां पे हम फैक्टर फैक्टर्स लेते हैं, यहां पे तो कॉम्बिनेशंस लेते हैं. यहां पे फैक्टर एक्स लेबर यूनिट्स में है, जो फैक्टर वाई कैपिटल, उसके बाद आउटपुट. फैक्टर्स हमने लिए हैं ए बी सी डी. फैक्टर एक्स जो है हमारा, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4. अब हमने फैक्टर वाई जो हमारा कैपिटल है, अगर हमारा एक लेबर जो है एम्प्लॉयड था, हमारा एक वर्कर जो काम कर रहा था, तो हमारी कितनी कैपिटल थी, 15. हमारी लाइक 15 मशीन्स लगी हुई थी. उसके बाद हमने लेबर को इंक्रीज करके 2 कर दिया, तो हमने इसको माइनस करके यहाँ पे 12 कर दिया. फिर हमने एक और लेबर को इंक्रीज करा, तो ये हमने माइनस करके यहाँ पे 10 कर दिया. एंड आफ्टर दैट एक और माइनस करके हमने इसको कर दिया 9. आउटपुट का जहाँ तक सवाल है, आउटपुट सेम ही रहेगा. बना रहा है वो 100 यूनिट्स ही, मतलब हमने जितने भी कॉम्बिनेशंस बनाए हैं सबके साथ हमारा जो आउटपुट है यही चीज़ ये शो करता है. इक्वल प्रोडक्ट जो कर्व है, आइसो प्रोडक्ट कर्व है, कि हमारी जो आउटपुट सेम रहती है, कॉम्बिनेशंस चेंज होते जाते हैं. जैसे हमारे ए कॉम्बिनेशन में 1 लेबर और 15 कैपिटल 100 यूनिट्स बना रहे थे. उसके बाद 2 लेबर हमने एम्प्लॉय कर दिए, हमने कैपिटल को यहाँ पे क्या कर दिया, लेस कर दिया. और इस चीज़ को, ये जो हम ये जो क्वांटिटी ये कम ज़्यादा करते हैं, इसको हम बोलते हैं MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं, कि हमने एक यूनिट को, जो हमने लॉस हुआ हमारे पास एक यूनिट का, उसका चेंज प्लस जो दूसरी यूनिट में हमने गेन किया उसका जो चेंज है, उन दोनों का जब हम रेशो निकालते हैं तो वो होता है MRTS, जिसकी वजह से हमेशा जो एक हमारा ये आइसो प्रोडक्ट जो कर्व है, ये हमेशा कॉन्वेक्स में जाता है, हमेशा कॉन्वेक्स में जाता है, नेगेटिव स्लोप्ड होता है. वो किस लिए होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से. मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या इंडिकेट करता है. इट इंडिकेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक यूनिट में जो लॉस हुआ है वो उसके बीच का चेंज, जो गेन हुआ है उसके बीच के जो चेंज है, उन दोनों के बीच के चेंज का रेशो जो होता है. इट इंडिकेट्स द रेट एट विच फैक्टर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं, एट द मार्जिन विदाउट ऑल्टरिंग द लेवल ऑफ आउटपुट. मतलब विदाउट आउटपुट को किसी भी तरह से ऑल्टर करें बिना हम उनको यूज कर सकते हैं. तो जो MRTS होता है इज इक्वल टू लॉस ऑफ यूनिट्स अपॉन गेन ऑफ यूनिट, दैट इज डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल. ये होता है इसका जो एक आपका फॉर्मूला है. अब यहां पे आप MRTS इनका निकालेंगे तो ये क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे कितना चेंज हो रहा है हमारा, 3/1. ठीक है, ये 3 हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो रखा है, 2/1 एंड देयर इज 1/1. तो ये आपका पूरा का पूरा
जो एक चार्ट बना है, इससे आप समझ सकते हैं कि क्या होता है आइसोक्वेंट। एमआरटीएस आपने समझ लिया, एमआरटीएस ये फॉल क्यों करता है, एमआरटीएस में हम जो इक्वली फॉल क्यों नहीं कर रहे हैं इसको, हम एमआरटीएस में हमने पहले यहाँ पे 3 रिड्यूस किया, फिर हमने 2 रिड्यूस कर दिया। जो देखिए, अगर हम एक हमने यहाँ पे एक लेबर को ऐड किया, एक लेबर पहले इतना काम कर रहा था, फिर एक और ऐड करने पर उतनी क्वांटिटी का वर्क नहीं हो पा रहा, उतने लेवल का वर्क नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हमेशा हमें सेम क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्वालिटी हमेशा डिमिनिश होती जाएगी, इट टेंड्स टू फॉल। अगर हम किसी लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं बाद बाद में, मतलब हमने जो पहले लिया है वो जितना एफिशिएंट होगा, उसकी जितनी एफिशिएंसी होगी, नहीं कि हर बार ही हमें उतना एफिशिएंट लेबर मिलेगा, तो ये हमेशा रिड्यूस होती जाती है, और इसी को हम ये डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग उसमें चलती है एमआरटीएस। तो यही इसका मेन जो एक रीज़न है पूरा हमारा आइसोक्वेंट का, एमआरटीएस होता है ये हमारी अब हम इसके अकॉर्डिंग अगर अपना डायग्राम बनाएंगे, कितने हैं हमारे 100 यूनिट्स, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहां पे हम लिखेंगे लेबर मींस 1, 2, 3, 4 एंड 5। इधर लिखेंगे आप वाई कैपिटल, यहां पे है हमारा 9। मतलब किसी भी तरह से अब इसको बनाएंगे, जैसे पहले 15 थे तो वो हमारा इतना प्रोडक्शन हो रहा था, ऐसे ऐसे करके ये आप बनाएंगे तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो गए कि हमारा प्रोडक्शन सेम लेवल का है, हमारी यूनिट्स उतनी प्रोड्यूस हो रही है, हमारा प्रोडक्शन यही है। तो दिस इज नोन एज आइसो क्विंट, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमने एक ही जो कर्व पे हमने पूरे डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करे हुए हैं, दिस इज नोन एज आइसो। अब बात आती है इसके एजम्पशंस की,